नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोधपुर के रवि बिश्नोई के बारे में। रवि बिश्नोई जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया। दरअसल 16 फरवरी को भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच में जोधपुर के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैच शुरू होने से पहले टीम के सीनियर स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने अपने हाथों से भारतीय क्रिकेट टीम की कैप उन्हें प्रदान करी। कैप मिलने के बाद रवि बिश्नोई काफ़ी खुश और उत्सुक दिखे और टीम के सभी खिलाड़ियों ने रवि को शुभकामनाएं दी। मैच शुरू होने के बाद यजुवेंद्र चहल के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर थे वेस्टइंडीज़ के घातक प्लेयर निकोलस पूरन, जिन्होंने यूजी की गेंद पर एक बड़ा शॉट मारा। गेंद काफ़ी देर हवा में रही और बाउंड्री लाइन पर खड़े थे रवि बिश्नोई, जिन्होंने इस मुश्किल कैच को आसानी से पकड़ तो लिया पर गलती से बिश्नोई का पैर बाउंड्री लाइन को टच कर गया। इसके बाद एम्पायर ने उस कैच को 6 रन करार दिया। उसके बाद रवि बिश्नोई सहित कप्तान रोहित शर्मा व यूजी सहित सभी खिलाड़ी हताश दिखे। इस इंसिडेंस के बाद रवि काफ़ी नर्वस दिखे। पारी का 9वां ओवर कप्तान रोहित ने रवि को दिया, जिसमें उन्होंने नपी तुली बॉलिंग की और कैरेबियन खिलाड़ी बिश्नोई की बॉलिंग को समझ ही नहीं पाए। इसके बाद पारी के 11वें ओवर में कप्तान रोहित ने एक फिर से रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। इस बार रवि ने कोई कसर नहीं छोड़ी और ओवर की पहली ही गेंद पर रोस्टन चेज को LBW आउट करके अपने T20 इंटरनेशनल में पहला विकेट प्राप्त किया। इसी ओवर में उन्होंने रोमेन पावेल को भी आउट किया और फील्ड में हुई अपनी गलती की भरपाई कर दी। इसके बाद अपने पूरे स्पेल में बिश्नोई ने मात्र 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच का रुख पलट दिया। टीम के सभी खिलाड़ी रवि के इस प्रदर्शन से काफ़ी खुश हुए और मैच खत्म होने के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित ने भी रवि की तारीफ की। जोधपुर के रवि बिश्नोई ने अपने समाज और पूरे राजस्थान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड अगर आप भी रवि बिश्नोई के इस प्रदर्शन की सराहना करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।